तो यारो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा और आप देख रहे हो कब तक। तो आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे द कंट्रोवर्सी ऑफ तारक मेहता। तारक मेहता की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तब शुरू हो गई जब शैलेश लोढ़ा साहब ने इस शो को छोड़ दिया। लेकिन आखिर सवाल आता है कि शैलेश लोढ़ा साहब ने इस शो को छोड़ा क्यों? भाई एक ऐसा शो जो इतना बड़ा हो, इतना फेमस हो और उस शो में नरेशन देने वाला व्यक्ति और भी ज़्यादा पॉपुलर हो, क्यों छोड़ेगा ये शो? गेस कीजिए। तो चलो मैं बताता हूँ आपको कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा में सिर्फ और सिर्फ शैलेश लोढ़ा ही नहीं, लगातार एक्टरों का छोड़ा जाना इस शो का एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार इस शो में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेके फैंस लगातार ये बातें कहने लग जाते हैं कि बस अब हो गया, बस अब ये रेड लाइन है, अब ऐसा हुआ तो शो को ऑफर कर दो। लेकिन मेकर्स ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की रोजी रोटी का सवाल है और किसी के फ्यूचर का सवाल है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि शैलेश लोढ़ा साहब ने शो को क्यों छोड़ा? भला इतना अच्छा खासा चल रहा था, इतने लंबे समय के बाद अंजलि मेहता जब इस शो से बाहर हुई तब भी शैलेश लोढ़ा साहब ने इस शो को नहीं छोड़ा था। तो ऐसा क्या हो गया कि 2020 मिड में आते आते शो में ऐसा कुछ भूचाल मचा कि शो के सबसे बड़े नरेशन, जिसको हमने बचपन से देखा है अपनी आंखों से, हमेशा से हमारी आदत रही है कि जब ये शो खत्म हो हम शैलेश लोढ़ा साहब को, अपने पुराने तारक मेहता को अपनी आंखों के सामने देखें और एपिसोड का अंत करें। लेकिन स्टोरी में आ गया ट्विस्ट और शैलेश लोढ़ा हो गए बाहर। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे वेरियस रीजन हैं। शैलेश लोढ़ा और असित कुमार मोदी की ये कंट्रोवर्सी, अगर आपको लगता है कि अब तो खत्म हो चुका है क्योंकि अब नए एक्टर आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो मेरे दोस्त। अभी भी ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एक्टर शैलेश लोढ़ा लगातार इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल पे कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करते रहते हैं जो चिंगारी जो है आग में घी डालने का काम कर रही हैं। असित कुमार मोदी पे कसा जाना वो तंज आज तक लोगों को याद आता है और लोग पोस्ट करके खूब मजे लेते हैं कि अच्छा ये कमेंट तो पक्का असित कुमार मोदी के ही खिलाफ होगा। वैसे रिसेंटली इस शो को एक बार फिर आड़े हाथी लेते हुए शैलेश लोढ़ा साहब ने ये लिख दिया, वो इंसान जो शो छोड़ के गया वो वापस लौट के ना आया। अपनी छोटी छोटी कविताओं में बड़ी बड़ी बात कर देने वाले शैलेश लोढ़ा ने इस बार सीधी तरीकों से असित कुमार मोदी को बिल्कुल मटिया मेट कर दिया और दर्शकों के सामने तार तार कर दिया। वैसे इनकी जो कंट्रोवर्सी है, मैं आपको बता दूं, ये कंट्रोवर्सी इतनी नई नहीं है, ये कंट्रोवर्सी धीरे धीरे पनपी है। शैलेश लोढ़ा और असित कुमार मोदी के बीच में जो कंट्रोवर्सी है उसका फिलहाल तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन जो कुछ रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दरअसल इस शो में असित कुमार मोदी को ये लगता है कि इस शो को करने वाले एक्टर को ना ही कोई रियलिटी शो, ना ही किसी भी दूसरे शो का जो कि इस शो का रिवाइवल ना हो, उसका भी हिस्सा बनना यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम था कि शैलेश लोढ़ा साहब भी अब धीरे धीरे थोड़े से बोर हो चुके थे और प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका बदलता व्यवहार एक्टर्स को ज़रूर एक कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। वैसे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो को देख लेना, लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट दिखाना, क्योंकि हो सकता है कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा की टीम इस वीडियो को टेक डाउन कर दे, क्योंकि इससे पहले भी हमारे सब तक चैनल को टेक डाउन कर दिया गया था। हमने किसी भी एपिसोड का, किसी भी चीज़ का वॉयलेशन नहीं किया था बावजूद इसके। तो यहाँ से ये भी जाहिर होता है कि असित कुमार मोदी की जो प्रोडक्शन टीम है वो नहीं चाहती है नेगेटिविटी। लेकिन ये आपको समझना होगा, किसी भी सिक्कों का दो पहलू होता है। तो अगर मैं एक क्रिएटर हूँ, अगर मैं अपने चैनल पे ओपिनियन दे रहा हूँ या लोगों को जागरूक कर रहा हूँ या अननोन फैक्ट बता रहा हूँ, तो दूसरे भी व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि अगर मैं पब्लिक डोमेन पे हूँ तो वो मुझे क्रिटिसाइज कर सकता है। लेकिन यहीं पे आ जाते हैं असित कुमार मोदी पे। तो आपने देखा होगा बीते कुछ दिनों में असित कुमार मोदी के प्रोडक्शन हाउस ने लगातार स्ट्राइक दे के ये बता दिया
कि किसी भी यूट्यूबर्स को अगर नेगेटिविटी फैलाया जाएगा तो भी उस पर शिकंजा कसा जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक्टर्स तक सीमित नहीं है, अब कहीं ना कहीं इनके प्रोड्यूसर्स भी परेशान हो चुके हैं बार बार बुली से, बुलिंग से और लगातार हो रहे विरोध से, क्योंकि जो वो ऑडियंस हैं वो आज भी इनके शो को देख तो लेती है एक बार मन मार के, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि शो में जब बदलाव नहीं हो रहा है, अच्छी स्टोरी नहीं आ रही है तो शो को ऑफेयर कर दिया जाए। और असित कुमार मोदी और शैलेश लोढ़ा साहब का ये विवाद यकीन मानिए इतना बड़ा बन गया कि आज भी शैलेश लोढ़ा साहब से जब ये चीज़ पूछी जाती है कि क्या आप कभी फ्यूचर में शो में जाना पसंद करोगे, वो सिरे से नकार देते हैं। और आज के डेट में शिमारू टीवी पे वो एक नए शो में जा चुके हैं। तो दोस्तों ये था कुछ वो कंट्रोवर्सी के बारे में आपके सामने रखे गए कुछ फैक्ट जो शायद आपको ना पता हो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तारक मेहता के फैंस के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।